हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो इस ब्लॉग में मैंने कवर किया है अष्टमी पूजा और नवमी पूजा, और ये हमारे सोसाइटी में कुछ कल्चरल प्रोग्राम हो रहा था वो सब मैंने इसमें कैप्चर किया है। तो आई होप आप काफ़ी इन्जॉय करने वाले हो। क्या होता है कि पूजा के दौरान आदमी पूजा पे भी फोकस रखता है, इधर उधर नहीं देख पाता। तो ज़्यादा ब्लॉग मैंने लंबा नहीं किया है, सबको एक ही में मर्ज कर दिया है। तो चलिए आप देखिए इस ब्लॉग को और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको। माता के मूर्ति के आगे रंगोली बनाई गई थी, काफ़ी सुंदर थी, इसलिए मैंने इसको कैप्चर किया है। जिसने भी बनाया है बहुत ही मेहनत से बनाया है, पूरे दिन लग के बनाया है, और फाइनली यहाँ सब लोग सेल्फी लेने में लगे हैं माता रानी के साथ। और मैंने पीहू की भी बहुत अच्छी अच्छी सेल्फी ली है। अगर आप देखना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे विज़िट कर सकते हो, उस पर मैंने उसका फ़ोटो डाला है, और उसकी आईडी पे भी मैंने वीडियोज़ वगैरह डाले हैं, वो भी आप जाके देख सकते हो। फ़िलहाल आप ये नाइट इन्जॉय कीजिए। ग्रुप की लेडीज़ का डांस तो काफ़ी अच्छा किया था इन्होंने, ये भी आप एंजॉय कीजिए।
के सुबह की क्लिप है जब अष्टमी को कन्या पूजन होता है, अष्टमी के दिन श्रृंगार चढ़ता है माता रानी को। तो हम लोग वो पंडाल में गए थे उनका श्रृंगार चढ़ाने के लिए, जिसकी जो भक्ति वैसा वो चढ़ाते हैं, मेनली साड़ी वगैरह, मिठाई वगैरह, आप उनकी चूड़ी बिंदी ये सब चढ़ा सकते हो। अपना अपना नियम है, जो जिस नियम से पूजा करता है उस नियम से आप कर सकते हो, लेकिन बेसिकली आज के दिन महागौरी को श्रृंगार चढ़ाया जाता है, देन आप पहन सकते हो। जो लोग कलश स्थापना करते हैं पूरे 7-8 दिन नहीं पहनते हैं कोई न्यू चीज़, आज के दिन ही पहनते हैं माता रानी को चढ़ा के। और जो भी आप दान वगैरह देना चाहते हो आप यहाँ पंडित जी को दे सकते हो। तो मैं यहाँ नीचे आई थी पंडाल में पूजा करने के लिए, गर्मी तो इतनी ज़्यादा थी कि मत पूछिए। और ये पूजा करने के तुरंत 15-20 मिनट के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बीपी लो हो गया था, क्योंकि घर पे पूजा करते करते, पंडाल में पूजा करते करते काफ़ी टाइम हो गया था और मुझे लगा था कि अब तो मैं गई पूरी तरीके से। इतनी गर्मी, इतनी उमस और काफ़ी बीपी लो हो गया मेरा, तबीयत ख़राब हो गया, सर में काफ़ी तेज दर्द हो गया क्योंकि भूखे। नेक्स्ट डे मैंने नवमी के दिन पीहू का कन्या पूजन किया, क्योंकि मेरे पास 9 कन्या नहीं थी तो पीहू को ही 9 कन्या मान के मैंने उसकी पूजा की। वैसे भी कहा जाता है कि एक औरत के में 9 रूप होता है, 9 रूप की जो कन्याएं होती हैं वो एक ही औरत में पाई जाती है, पहले बेटी, फिर बहू, फिर माँ, फिर बहुत सारे रूप होते हैं माँ एक औरत के। तो मैंने पीहू को ही 9 कन्या मान के उसकी पूजा कर ली और बहुत शांति से वो अपनी पूजा करवा रही थी, मतलब उसे लग रहा था कि क्या हो रहा है, बहुत इंजॉय कर रही थी वो, आप देखिए। माता रानी ये सौभाग्य सबको दे, सबके घर में बेटियां हों, क्योंकि बेटियों के बिना आंगन बहुत सूना लगता है। माता रानी को जो आंगन पसंद होता है वही बेटियां होती हैं, तो ऐसा सौभाग्य हमें देने के लिए माता रानी का बहुत बहुत धन्यवाद कि पीहू है हमारे पास। हम लोग करेंगे कल्चर।